Welcome, King Don. Ladies and gentlemen, कुछ दिन पहले मैं रशिया गया था। वहां एक बर्फ का पहाड़ टूटा। पहाड़ के नीचे कोयले की खान में काम करने वाले 120 वर्कर्स दफन हो गए। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, लेकिन बर्फ के पहाड़ को हटाने में 30 दिन लगे। बहुत बड़ा पहाड़ था। बर्फ हटाने के बाद उन्हें नीचे लाश एक भी नहीं मिली। उन्हें मिले 119 आदमियों के हड्डियों के पंजर। एक आदमी जो 119 आदमियों का कच्चा मांस खाके 30 दिन तक जिंदा रहा, वो है मेरा आज का फाइटर क्रश। Crush, तैयार हो? Not your chabab, the longest only crew. Tabash. Hello, Crush. Hut! Ladies and gentlemen, अब वो हस्ती जिसे खिलाड़ियों की दुनिया में माना जाता है, सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक, मैडम माया। ये है वो आज जो किंग डॉन के फाइटर के साथ हमारा फाइटर लड़ने वाला है, उसका नाम नाम नहीं मिसाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट अंडरटेकर। ये है तेरा शिकार क्रश। अजय, ये क्या कर रहे हो? जाकर पूछो मैडम माया से। आज तेरी मौत मेरी हाथ होगी। मेरी नहीं, तेरी मौत होगी, समझा? दोस्तों, आज मेरा फाइटर अपनी 40वीं फाइट लड़ रहा है। पिछली 39 फाइट्स वो लगातार जीत चुका है, यानी 39 फाइटर्स को वो मौत के घाट उतार चुका है। क्योंकि इस फाइट में हारने वाले को मरना पड़ता है, जो जिंदा बचता है वही जीतता है। जब तक हारने वाले की सांस नहीं रुक जाती, ये खेल चलता ही रहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आज शाम की बेट है $5 million। अफसोस, तुम्हारे जिस्म में हाथ तो एक ही नजर आता है, मगर कभी हथेली ही दो बार दिखा दिया करो किंग डॉन। हर बार 5 ही उंगलियां दिखाते हो। आगे की गिनती नहीं सीखी है क्या? गिनती तो मुझे बहुत आगे तक की आती है माया, लेकिन मैं यहाँ पर दांव की दौलत जीतने के लिए नहीं आया। तो क्या हमें देखने की कीमत है ये तुम्हारे $5 million? तुम्हें हारा हुआ देखने की। फिर अफसोस, तुमसे एक ही मुलाकात में हमें कितनी बार अफसोस करना पड़ता है किंग डॉन। अब तो तुम पर तरस आने लगा है, मगर क्या करें, हम चाहें भी तो जिंदगी हमें हार का तजुर्बा नहीं करवाएगी। We will see. Ladies and gentlemen, मैडम माया और किंग डॉन के बीच में दांव पर लगा है $5 million। Please place your bet. Madam Maya, do you think you will win? Beshak Jatsa. Excuse me, madam. Hey, commissioner. Stop this camera. देखिए मैडम, आप अच्छी तरह जानती है कि ये फाइट्स गैर कानूनी है, और इस वक्त यहाँ शहर के बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। मेहरबानी करके ये शूटिंग रुकवा दीजिए, क्योंकि कोई भी इन टेप्स को हासिल करके हमें ब्लैकमेल कर सकता है। ओह कमिश्नर, इन टेप्स में आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। उफ, आप समझती नहीं। अच्छा, मैं रख लेता हूँ, हिफाजत रहेगी।
इस शहर में माया से बड़ा खौफ और माया से बड़ी हिफाजत आप पुलिस वालों की भी नहीं है। नामी गिरामी लोगों के साथ गुजारी शामों की खूबसूरत यादें हैं ये टिप्स कमिश्नर। आप फिक्र छोड़िए, खेल का मजा लीजिए। कम ऑन, हैव ब्लास्ट। ओके ओके, यहीं से सुसाइड कर लूंगा। क्रश गलत पंगा लिया तूने। क्रश को अटैक। Who's the best, huh? Yeah, anybody else want to get up here, huh?
Kill him. Good job, Undertaker. अजय, मौत आज तुमने इतनी करीब से मनाई है, कल मजा आने लगेगा। इस ताबूत को लाश समेत ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मुझे माफ कर दो मां, मां मेरी रक्षा करो मां। ओ अजय, कितनी देर लगा दी, तुम सोई नहीं अभी तक? जब सपना पूरा हो जाए तो सोकर क्या करना? सपना? हाँ, ये देखो। ये क्या है? इसमें है हम दोनों की शादी का इनविटेशन, जिसे हम कल आपके घर पोस्ट करेंगे। और जनाब, इसमें एक एयर टिकट और आपके भैया के नाम लेटर भी है। जेन, तुम्हें मेरी इस बदसूरत दुनिया को खूबसूरत बनाना है। जेन, आई लव यू। जेन, आई लव यू। आई लव यू टू। Come on, come on, fast, come on. Wait, wait a minute. इस फाइटर की मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सर, कोई ताल्लुक नहीं है। मैडम, माया की दुनिया से तो है ना। ये लोग जो मौत की बोली लगाते हैं, इंसान की खौफनाक मौत इनके लिए एक जुआ है, खेल इनके लिए। और तुम्हारी बदकिस्मती यह है कि सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं। ये देखो, इसलिए अजय, तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सर, 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज सर। तुम्हारे बचने की अब एक ही सूरत है कि तुम पुलिस की मदद करो। मतलब? मतलब मैडम, मार्क इन डॉन के खिलाफ मुझे सबूत ला कर दो, ताकि पुलिस उनको फांसी के फंदे तक पहुंचा सके, वरना वरना खुद फांसी के फंदे पर लटक जाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहो, क्या बात है ऑफिसर? सर, मुझे मैडम माया और किंग डॉन के खिलाफ अरेस्ट वारंट चाहिए। अरेस्ट वारंट? मैडम माया का एक आदमी हमारा इन्फॉर्मर बनने के लिए राजी हो गया है, और वो हमें मैडम माया के खिलाफ सारे सबूत देने के लिए तैयार है सर। Well done, officer. वो है कहाँ? ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो मुझे यहाँ इस वक्त बुलाया है? और ये माया यहाँ क्या कर रही है? बताता हूँ, आओ। मुझे वापस जाना है यहाँ से अपने ऑफिस, तुम दोनों के अरेस्ट वारंट इश्यू करने।
हमारा अरेस्ट वारंट? What are you talking about? हाँ मैडम माया, वो नहीं था तुम्हारा आदमी अजय वही जिसके हाथ में कैमरा था? उसने तुम्हारे गैर कानूनी धंधों की वो टेप्स चुराए है और पुलिस को हैंड ओवर करने वाला है। अजय माया, हम लोगों के बीच जो भी डिफरेंसेस हो, अगर अजय कहीं सचमुच वो टेप लेकर पुलिस तक पहुंच गया, इसकी वर्दी तो जाएगी, साथ साथ हम लोगों के इलीगल बिजनेस खत्म हो जाएंगे और हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज तो हम तब होंगे ना जब अजय मल्होत्रा जिंदा बचेगा। सर जल्दी, हाँ अमेरिका से फोन है। हेलो अजय। हेलो इज दैट मिस्टर? या दिस इज अक्षय, हु इज दैट? प्लीज वेट, अजय वांट्स टू टॉक टू यू। या अजय, अजय ओह माय गॉड, होश में आ अजय। He's in Jai Mata Di. Hello, please give the phone to Ajay. Please give the phone to Ajay. Hello, give the phone to him. Ajay. Hello, Ajay. Madam, kya hua? Bola kya hua? Ajay, tu theek to hai na? Tu bolta kyun nahi? Ajay. Hello. Hello. Ajay. Ajay. Sir, aap pareshan na ho, dobara aayega. बुलावा आया है तो मना कर दे। पहले ही एक बेटा इस माँ से दूर मिलिट्री में रहकर भारत माता की सेवा कर रहा है, सर अब दूसरा जाएगा सात समुंदर पर गैरों की सेवा कर। अरे माँ जाने दे उसे, तेरा ही नाम रोशन होगा ना, मेरी माँ का नाम रोशन होगा। वाह, ये कोई तरीका है अपने घर में अंधेरा करके रोशनी किसी और मुल्क में करे? मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ माँ, सारा इंडिया है मेरे साथ। निखिल, डी, देव, आई, इकबाल, ए, ऑफ कोर्स, अजय। माँ माँ माँ, हम पांचों साथ में जाएंगे, एक साथ काम करेंगे और एक साथ में रहेंगे और हम सब साथ वापस आएंगे। माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ इजाजत दे दे, आशीर्वाद दे दे माँ, दे दे। देख, मैं तेरे कहने से इसे जाने दे रही हूँ। माँ क्या हुआ? माँ सुन अक्षय, कहीं इसने वहां जाकर आवारा गर्दी की या वहीं बस गया और लौट कर वापस नहीं आया तो मैं तुझसे अपना बेटा मांगूंगी, समझा? मैं तुझसे अपना बेटा मांगूंगी, मैं तुझसे अपना बेटा मांगूंगी। बोलो सर, आपका टेलीग्राम। जय माता दी। चलो तुम लोग।
माँ, माँ क्या हुआ? माँ तू रो क्यों रही है? हुआ क्या है माँ? पूछता है क्या हुआ? अब और कुछ भी देखना बाकी है? इस बुढ़ापे में यही दुख देखने को जिंदा थी। कितनी हसरतों से लाल जोड़ा अजय की बहू के लिए संभाल के रखा था। अरे माँ तू बताती क्यों नहीं, हुआ क्या है? माँ हुआ क्या है? चाचा, चाचा, चाचा अजय के बारे में कोई खबर आई? चाचा, चाचा बताओ ना, बताओ ना चाचा। क्या बताऊं बेटा? अजय, अजय अमेरिका में शादी कर रहा है। नहीं चाचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चाचा, नहीं हो। शादी कर रहा है? अरे चाचा, मेरा भाई शादी कर रहा है, मेरा भाई शादी कर रहा है माँ, मेरा भाई शादी कर रहा है माँ, मेरा भाई शादी कर रहा है, शादी कर रहा है वो। अच्छा अच्छा, तो ये खुशखबरी बताने के लिए आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम भेजा? हाँ। तो इसे खुशखबरी कहता है? तेरा दिमाग खराब हो गया, उतार मुझे, मैं कहती हूँ उतार मुझे। आने दे उसे इस घर में, तो क्या मैं उसे गांव में भी कदम नहीं रखने दूंगी। अरे अरे माँ तू नाराज क्यों होती है, जरा सोच। सोच मेम जैसी बहू जब गांव में चलेगी तो तेरा रुबाब बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे वो देखो मेम की सास जा रही है, कितनी सुंदर लग रही। चोरी, शैतान कहेगा। अरे माँ जब वो लाल जोड़ा पहनेगी तो बिल्कुल लाल परी लगेगी, है कि नहीं माँ, है कि नहीं? चुप। चाचा आप ही समझाओ ना माँ को। अरे तू समझ जा और छुट्टी लेने की तैयारी कर ले। ये ले, तेरे लिए चिट्ठी आई है अमेरिका से, पढ़। अच्छा माँ। जीते रहो बेटा, तू वहाँ जाकर उसे लाल जोड़ा पहनाकर अपने रीतियों के अनुसार शादी करा, ये नहीं कि कुछ अंग्रेज इकट्ठा हो गए, तालियां बजाई और हो गई शादी। अच्छा माँ, अब मैं चलूं? अच्छा बेटा। हनुमान चालीसा तेरे बैग में रख दिया है, अगर सफर में डर लगे तो पढ़ना मत भूलना, क्योंकि हवा में कुछ भी हो सकता है। हाँ। चाचा एक बात बताओ। हाँ। वैसे आप कभी हवाई जहाज में बैठे? क्या बात कर रहा है यार, कितनी बार घर पे आता है मुझे लेने के लिए। हाँ। और सुन, तेरा सामान तेरी कुर्सी के साथ चेन और ताले से बांध देना, और जैसे हवाई जहाज के अंदर जाओ ना, खट से चेयर पकड़ लेना, हो सकता है खड़े खड़े ही सफर करना पड़ जाए ना। हाँ, हवा में तो कुछ भी हो सकता है। और एक बात याद रखे, खिड़की खोल के ज्यादा बाहर देखने की कोशिश मत करना, और ड्राइवर से कह देना एक स्टॉप पहले कि तुझे कहाँ उतरना है, क्योंकि हवा में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हवाई अड्डे पे ही कुछ कुछ होने लगा। जी वो आपका, आपकी ट्रॉली, वो आपका सामान। अरे बाप रे, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक। It's okay. Oh,
छोड़िए। अजीबो वही ये सामान। सॉरी उतर कुड़ी का सामान दे दे। अच्छा दे दे जल्दी से। ये आपका सामान। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बाय 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 बाय। आपका आपका बैग। ये बैग। हाँ बैग बैग बैग। ये बैग जी। थैंक यू। बाय बाय। I'm so sorry. I'm so sorry. बाय बाय। आपकी फ्लाइट। बाय 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 बाय। ठीक है पुत्र, पहले तो जिंदगी में इतनी बार कभी नहीं फिसला। चाचा जी इतने चिकने हालात पहले कभी नहीं हुए। अच्छा यार अजय ने तो अमेरिका में अपने लिए कुड़ी ढूंढी, तू एयरपोर्ट पे ही। क्या हुआ बेटी? मुझे कुछ नहीं। अच्छा ये बता, तू उस लड़की से शादी करेगा? अरे चाचा क्यों मजाक करते हो, दिल का मामला बहुत नाजुक होता है। मत छेड़ो से, मत छेड़ो। तू सिर्फ ये बता, तू शादी करने को राजी है या नहीं? राजी? अरे मैं तो जन्म जन्म से इस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये मुझे बचपन में मिल गई होती तो माँ की गोद से उतरने के बाद सीधे से शादी कर लेता, मगर बदकिस्मती ये है कि ये किसी और मोहल्ले में पैदा हुई थी। लेकिन डोली तो तेरे ही मोहल्ले में आएगी। आ? देख। अरे 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 चाचा, अरे अरे चाचा मरवाओगे। लगता है चाचा आज हवाई अड्डे पर ही पिटेगा। ओए उठ। ए पालम हवाई अड्डा तेरे प्योदा है? ओए नहीं तो क्या तोड़े प्योदा है? अरे ओए पालम पहचाना नहीं? ओ केदार, अरे यार मैं सब के जवर अपनी सौ मन तुम पहचाना नहीं यार। अरे यार मजबूरी पाले। तुम्हारी परजाई जी। नमस्ते, नमस्ते परजाई जी। यार तू लंदन तो आया, अपने यार दोस्तों नु भूल गया? अरे यार सोचा था ढूंढ लेवांगा यार दोस्तों नु, थोड़ा परेशान है गम है। परेशान किस वास्ते? कुड़ी दे वास्ते मुंडा ढूंढने आया सी। बात को जमी नहीं, हुण वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहा है खाली हाथ? अरे लानत है तेरे यार दोस्तों पे, तू आया है ना उन बात पक्की करके ही जा। ओ यार बात तो मैं पक्की कर लेवांगा, मुंडा कितेगा? अरे मुंडा तो तेरे सामने खड़ा है। ओ यार तेनु शर्म नहीं आंदी? इस उम्र में तू शादी करेगा वो भी मेरी कुड़ी दे नाल? अरे पालन दे लालन मैं अपनी गल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भतीजे दी गल कर रहा हूँ। ऊंचा तगड़ा 6 फुट 2 इंच मिलिट्री भी जाएगा, 2 साल में मेजर हो जाएगा। ओए? वो देख ओए तू हाँ कर ले ते बात पक्की। ओ यार पक्की 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 तू पाले जब्बी जब्बी। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो लाजो मुंडा मिल गया मुंडा मिल गया। पहले सासों को प्रणाम करो। नमस्ते पेरी पहना। ओए की कर रहा तू? और जीत रहा पुत्र जीत रहा। अब बैठ। नहीं आप बैठे। अरे आप बैठे नहीं आप बैठे नहीं आप बैठे आप चॉकलेट खाएंगे? नहीं। ठीक है। वैसे आप इतना शर्मा क्यों रहे? नहीं वो बात ऐसी है कि इतने में सब कुछ बात पक्की हो गई और मुझे तो नाम भी नहीं पता। भागू भागू भागवंती भागवंती। आपको नाम अच्छा नहीं लगा क्या? अरे अच्छा है, अच्छा नाम है। वेरी गुड। लेकिन क्या बात, टिपिकल सा नाम है, बिल्कुल भाग्यश्री के कैटेगरी का। अच्छा है, अच्छा नाम है। भगवंती भगवंती भगवंती
क्या भागे मेरे लो ये मैं बेल्ट बांध देता हूँ ये ठीक है। और सुन पुत्र हाँ जी प्लेन का नाश्ता ना खाई क्यों असली घी के पराठे लाया हूँ अभी नहीं लगी नहीं लगा लगी तो नहीं 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 होता है हवा में ऐसे ही होता है किथे जा रहा है तू मैं चल कट्ठे चलते हैं सहारा हो जाएगा चाल संभाल के ओ यार तेरा दिन अच्छा नहीं यार संभाल मैं अभी आया हाँ ये शादी मैं नहीं कर सकती क्या क्यों क्योंकि मैं एडवर्ड से प्यार करती हूँ एडवर्ड हाँ लंदन में ओ इससे शादी करने से पहले मैं इस प्लेन से जंप करके जान दे दूंगी मतलब फुल चांस है भागो तू जल्दी से भाग जा मैं सब संभालूंगी तू निकलना यार भाग जा तेरी तो शादी एडवर्ड से ही होगी और मेरी रामी जाने एक पराठा आ गया ओ एक और ले यार एक और ले बस 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 सॉरी आप पराठे बहुत अच्छे बना दिए मैं हाँ भगवंती सुना है आप मुरब्बा भी अच्छा बनाती है मुरब्बा आपके पिताजी ने बताया पिताजी यानी मुझे भगवंती समझ रहा है और मुझसे शादी करना चाहता है वेरी गुड वेरी गुड अब पति को खुश रखने के लिए लड़की को कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है ना अगर आपको ये सब कुछ आता भी नहीं होता ना तभी मैं बहुत खुश हूँ आप खुश हैं खुश जिंदगी में मुझे पहली बार खुशी हुई है जिंदगी में पहली पहली बार ओहो ओहो मेरा पागल दिल हुआ बेकरार ओहो ओहो अरे आज मेरी जिंदगी में पहली पहली बार मेरा पागल दिल हुआ बेकरार लगता है ऐसे जैसे और लगता है ऐसे हो गया जैसे मुझको किसी से प्यार 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 ओहो ओहो आज मेरी जिंदगी में पहली पहली बार ओहो ओहो मेरा
गया जैसे, और लगता है ऐसे हो गया जैसे मुझको किसी से प्यार। वही झुकेगा ओ हो ओ हो, दूर मेरी आंखों से जाना ना खुदारा, तेरे बिन तेरा मेरे बिन तेरा नहीं है गुजारा। ओ हो ओ हो, तेरे बिन मेरा मेरे बिन तेरा नहीं है गुजारा। दिल रुबा तेरी अदा पे हो गया निसार, ओहो ओहो, अरे आज मेरी जिंदगी में पहली पहली बार मेरा पागल दिल हुआ बेकरार। लगता है ऐसे हो गया जैसे, अरे लगता है ऐसे हो गया जैसे मुझको किसी से। ओ यार तुम शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लोगों के सामने चोंच में चोंच मिलाकर गाना गा रहे हो, पूरे प्लेन के सामने गाना गा लिया। ओ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जो दिल प्यार करेगा वो गाना तो गाएगा ही गाएगा। हाथ मत लगा यार, मैं तनु की के बाद तेरी शादी भी नहीं हुई है। ओ टूट टूट कसम खानी है, थोड़ी देर तो बैठ जाने दो। हाथ मत लगा, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आपकी बेटी मेरी होने वाली बीवी भी तो है। मेरी बेटी को वहाँ बैठा कर यार ये सब होने वाला है? और हाथ मत लगा, नहीं तो तोड़ डालूंगा तेरा। यार समझ में नहीं आ रहा कैसी फैमिली तुम्हारी है, शादी से पहले हाथ लगा सकते उसे? नहीं लगा सकता तू हाथ। आप लोग को समझ नहीं आया? छोटी प्लेट बुलाते हैं लोग। चलिए नहीं तोड़ दिए तो हाथ तेरे, तो मुझे भी देख। मैं समझाती हूँ। अरे अंकल रिलैक्स रिलैक्स। अंकल ये तो सब एक नाटक था सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो लड़का आपने भागवंती के लिए चूज किया है ना, उसका उसका कैरेक्टर क्या है? अरे बड़ा ओछा मुंडा निकला। हाँ। शक्ल से तो मुझसे भी ज्यादा शरीफ लगता है। अरे इसलिए तो सब धोखा खा रहे थे मुझसे पूछे। बताइए आपने एयरपोर्ट पे उसका रिश्ता भागो के साथ तय किया था, और अब प्लेन में मुझ पर डोरे डाल रहा है। कोई नहीं जी, कोई नहीं, शादी कैंसिल। हाँ। शादी कैंसिल कैंसिल, रब जाने भागवंती की शादी कब होगी। अरे अंकल भागवंती को तो मुझ पर छोड़ दीजिए, उसे अपने चॉइस का लड़का ढूंढ लेने दीजिए। भागो शादी कैंसिल जी, शादी कैंसिल, अपना मुंडा खुद ढूंढ लेना। सियापा पै गया जी, सियापा पै गया। भागो भागो, भाग जा भाग जा भाग जा। तो तुम भगवंती नहीं हो? नहीं। क्या भागे मेरे? हाँ। क्या भागे मेरे? हाँ, क्यों? अच्छा अजय की शादी कब है? बस बेचारा मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे बुलाओगे ना? नहीं। क्या? बुलाऊंगा नहीं, बल्कि अपने भाई से मिलवाऊंगा। Is that okay? Excuse me. Welcome back, madam. Thank you very much. अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। This way, please.
what are you doing? Passport, show me your passport. Jaldi. Yellow. Excuse me, officer. Yes? Yeah, address? 26 Baker Street. Go that way. Us taraf? Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you. Yes? Ye Baker Street car. Baker Street over there. Us taraf? Yeah. Thank you. Yes? कौन चाहिए? हाँ? जी, अजय मल्होत्रा यहीं रहता ना? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ, वो यहीं रहता है। Come on in। अजय का भाई आया है। पुलिस को बुला। जल्दी फोन कर पुलिस को। शुक्र है अजय मिल गया। Welcome, welcome, come on in। Thank you। अजय कहाँ है? बस आता होगा थोड़ी देर में। वो ठीक तो है ना? वो ठीक देख लेना। आप एक काम कीजिए, उसे फोन करके कह दीजिए उसका भाई अक्षय आया हुआ है। अभी किए देता हूँ, आप वेट कीजिए उसके रूम में। जाइए जाइए। ये? हाँ, यही उसका रूम है। जय माता दी। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा भैया, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। तू नींद में तो नहीं बात कर रहा? हाँ, जानता ना सारी तैयारियां हो गई। अजय, कैसे चला जाऊं भैया? आपके बिना मैंने जीना सीखा ही नहीं है। हर रोज सुबह सूरज देखने से पहले मैं आपका चेहरा देखता हूं। आपकी सरपरस्ती, मां का आशीर्वाद, यही तो मेरी ताकत और हिम्मत है। मैं कैसे चला जाऊं? दिन रात मुझे तंग करते रहा कि मेरा सपना पूरा कर दो। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो कहता नहीं जाऊंगा। हाँ, अमेरिका मेरे उंगलियों के निशान लेके जाना चाहता है। हाँ, चल जा सो जा। भैया भैया, ये क्या ठीक है? मैं अपनी खुद गर्जी के लिए आप लोगों को अकेला छोड़ के चला जाऊं? नहीं भैया, उधर उधर मां रोते रोते सो गई। जाके देखो भैया, मां के गालों पे अभी भी आंसू के निशान है। मैं कैसे चला जाऊं? मां तो सिर्फ मां है बगले, वो सिर्फ ममता जानती है। तेरी तरक्की के बारे में जब उसे बताऊंगा ना, तो उसके आंसू उस कान में बदल जाएंगे। और भैया तुम? मेरा क्या है, दिल पक्का करके अपने भाई के सीने लग जा और फिर नाप कर देख अपने भाई का सीना, दुगना हो गया होगा। ये ले, चल फिर जाओ उस अजनबी शहर में और जाकर अपने सपने पूरे कर ले। तेरे बाजू मेरी ताकत, और वैसे भी मां शेरा वाली तेरे साथ है। जब भी पुकारेगा जय माता दी, हवा से तेज उड़ के चलाऊंगा तेरे पास। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फोन नंबर जरूर यही काम करते होंगे। हेलो पुलिस स्टेशन, आई एम शाह फ्रॉम बेकर स्ट्रीट। अजय मल्होत्रा का भाई अक्षय यहाँ पर है, जल्दी आइए।
मुझे रिवार्ड मिलेगा ना। थैंक यू सर। डोंट मूव। क्या हुआ मेरे भाई को? तुम्हारे भाई के नाम अरेस्ट वारंट है। सर वो अजय मल्होत्रा का भाई हाथ से बचकर निकल गया। कोई बात नहीं, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन सर अगर हम अजय मल्होत्रा के भाई को अरेस्ट कर लेते तो हम अजय को मजबूर कर सकते थे कि हमारे पास सबूत लेकर आए। इंस्पेक्टर रे, वन मिनट। मैडम मैं किसी से खास बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर। गो अहेड। क्या सौदा करना चाहते हो तुम हमसे जेन? हम आपके हवाले सारे सबूत कर देंगे। अजय को छोड़ दीजिए प्लीज। रहम करना हमारी आदत नहीं, फिर भी हमें तुम्हारा ये सौदा मंजूर है। ठीक है, आधे सबूत मैं आपके पास कर लाती हूँ। आप हमारा हिंदुस्तान जाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। जिस दिन हम यहाँ से रवाना होंगे बाकी के सबूत भी मैं आपके हवाले कर दूंगी। चलो, हमें ये शर्त भी मंजूर है। सुनो, कल दोपहर ठीक 1 बजे पार्क स्क्वायर में पहुंचोगी। थैंक यू मैडम। वहाँ के पब्लिक बूथ से हमें फोन करोगी। याद रखो, आधे सबूत साथ लाओगी। जी समझ गए। किस अधिकार दिया तुम्हें कोर्ट ऑर्डर के बिना लाइन टैप करने का? नो सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के? फौरन डिस्कनेक्ट करो वरना तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। पर सर, इनफॉर्मर अजय माया की कस्टडी में है सर। सुना है मैंने, सबूत लेकर आओ फिर बात करो मुझसे। सबूत लेकर आओ, समझे? तो कल 1 बजे पार्क स्क्वायर में मुलाकात है। मुसीबत बन गई है वो देव्स। माया शुड गेट देम। माया के हाथ सबूत रहेंगे तो वो कभी भी हमें कठपुतली की तरह नचा सकती है। मैं ये खेल ही खत्म कर दूंगा। न माया रहेगी, न सबूत और न चेन। कमिश्नर, तुम कल रात चैन की नींद सोओगे, ओके? माया, तेरी तो मैं काया पलट दूंगा। जी हाँ, 3 किंग रोड बॉम्बे भी है। एड्रेस समझ गया। अब आप एक काम कीजिए, फोन में मिला दीजिए। क्या मतलब है आप फोन नहीं मिला सकती है? मैं 6 कॉइन अंदर डाल चुका, मुझे अपने कॉइन वापस चाहिए। फोन मिला के दीजिए मुझे। कॉइन निकालो मैं। जी बोलिए। मैं एक फोन कर सकती हूँ प्लीज? जी आप मेरी बात मानिए, ये फोन इस्तेमाल मत कीजिए। इसमें मैं 6 कॉइन डाल चुका, एक भी फोन नहीं लगता मेरा। देखिए देखिए प्लीज, बहुत अर्जेंट फोन करना है मुझे, एक फोन कर दीजिए। आपको शौक अपने कॉइन बर्बाद करने का? आइए आइए आइए, करिए करिए, बात करिए। आपका फोन है? मेरा कहाँ से होगा, आप ही का होगा। उठाइए फोन। हेलो जेन, माया है। एक मिनट, मेरा है। कमाल है जी, यहाँ 6 कॉइन डाल चुका, मेरा फोन नहीं मिलता। इनका बिना कॉइन के फोन लग जाता। जी मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। सबूत साथ ला। जी हाँ बिल्कुल। बूथ के बाहर ये लड़का कौन? मैं नहीं जानती मैडम, ऐसे ही कोई फोन करने आया होगा। मगर अब है कहाँ मैडम? तुम्हारे काफी करीब से। लो ये सबूत मुझे दे दो। लो एक और आ गई फोन। भागो भागो।
शुक्रिया। खुश नसीब हो जो हमारी जबान से पहली बार किसी के लिए ये अल्फाज निकला। शुक्रिया। मांगो क्या मांगते हो? क्या कीमत लगाती हैं आप अपनी जान की? कीमत? हमारी उंगली में सजी हुई अंगूठी $10 million की है, बाकी तुम खुद जोड़ लो। हिसाब में हम हमेशा कच्चे रहे हैं, इसलिए शायद हमारी जेब में कभी पैसे नहीं रहे। जाइए, आप भी क्या याद रखें किस रईस से पाला पड़ा था। आपकी जान हमने दान में दे दी। अजय तुम लोगों को छोड़कर चला गया, लेकिन कहां? जहन्नम में। साथ हमारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। अपाहिज कर दिया उसने हमारे बैंड को। लेकिन हुआ क्या है, मुझे पूरी बात तो बताओ। यहाँ आने के बाद हमें कई दिनों तक काम नहीं मिला। हमने हर रिकॉर्ड कंपनी, हर क्लब के मालिक का दरवाजा खटखटाया। एक दिन हम एक रिकॉर्ड कंपनी के मालिक से मिलने उसके ऑफिस पहुंचे। वो आगे बॉस आ गए। रुक 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 रुक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग इंडिया से हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम सॉरी। जैन हमारी जिंदगी में खुशकिस्मती की तरह आई। फिर क्या था, रास्ते सीधे और मंजिल सामने नजर आने लगी। हमारे सपनों के साथ साथ अजय जैन का हाथ थामे अपने ख्वाब पूरे करता चला गया। वो दोनों आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे। ओ जान, ओ जान, ओ जान, हाँ मोहब्बत का अपनी सिला ढूंढ लूंगा। ओ जान, जगह ढूंढ लूंगा। ओ जानी, तो वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से, अगर जिद पे आऊं खुदा ढूंढ लूंगा। ओ जानी, ओ जानी, ओ जानी, हो मोहब्बत का अपनी सिला ढूंढ लूंगी। ओ जानी, जब ये मेरी नजर चूमती है मचलता है दिल मेरा, रूह झूमती है। बता दे मुझे तुझसे, मैं पूछती हूँ मोहब्बत को तेरी मैं क्या पूछती हूँ। तेरा प्यार पाने की, तेरे पास सिला ढूंढ लूंगा। ओ जानम, हे तेरे दिल में अपनी जगह ढूंढ लूंगा। ओ जानम, तू वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी।
लेकिन कोई नहीं जानता था कि खुश नसीबी के भेष में बदकिस्मती हमारी जिंदगी में दबे पांव घुस रही है। माया नाम की बदकिस्मती, माया नाम की। ऐसा चकड़ा माया ने अजय को अपने माया जाल में कि उसे उसे मासूम जीन के आंसू तक नहीं दिखाई दिए। अजय ऐसा गया कि एक बार उसने मुड़कर भी नहीं देखा। हमारा साथ जो किया वो हमने सहब लिया, पर जैन जैन को हमने उस दिन के बाद जब भी देखा हमेशा रोते देखा। फिर एक दिन अचानक जैन का फोन आया, वो बहुत घबराई हुई थी, कहने लगी अजय की जान को खतरा है। हम फौरन माया के क्लब पहुंचे। Don't let them get away! Don't let them get away! Let's go! Hospital, chalo, jaldi, hospital! Tu fikar mat kar, Ajay! Arre, gaadi bhagana! Iqbal! Wo log hamara pichha kar rahe hain! Iqbal, bhaga! चल इकबाल। इकबाल अगले मोड़ पर गाड़ी रोक देना, जैन अजय को लेकर उतर जाना और यहीं पर इंतजार करना। हम इन लोगों से छुटकारा पाकर यहीं वापस आएंगे। इकबाल लेफ्ट, इकबाल लेफ्ट। अजय अजय तुम लोग यहीं छिपे रहना, हम जरूर वापस आएंगे। अजय इंतजार करना अजय। Oh shit! माया के उन कुत्तों को चकमा देकर हम वापस अजय और जैन को लेने वहां पहुंचे। अजय जैन, अजय जैन कहां गए ये लोग? तू उधर देख। अजय जैन, अजय जैन, अजय अजय जैनी, अजय 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 जैन। देव देव ये लोग उधर नहीं है। इधर भी नहीं है। वो लोग शायद हॉस्पिटल में गए हों। हाँ चलो देखते हैं। एक मिनट मैं यहीं पर रुकता हूँ, शायद यहीं पर आ जाए। चल बोल। और सुनो निखिल को फोन करना, शायद वहीं पर गया। ओके ओके। हमने सारे अस्पताल सारे ठिकाने छान मारे मगर कुछ पता नहीं चला। अक्षय भैया हमने माया के घर जाके पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन उस मैडम माया ने हम लोगों को मिलने से साफ इनकार कर दिया। और जब हमने बहस की तो उसने अपने गार्ड्स के हाथों हमें इतनी बुरी तरह पिटवाया भैया कि हमारी वहां जाने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। अक्षय भैया अजय और जैन माया के कब्जे में है वरना वो हमें जरूर कॉन्टेक्ट करते। हाँ मैडम माया, ये मैडम माया रहती कहाँ है? Security.
अक्षय तुम तुम यहाँ रहती हो? अरे अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऑब्वियसली तुमसे मिलने आया हूँ, मगर तुम्हारे यहाँ पहुँचने में बड़ी मुश्किल हुई। ये सिक्योरिटी गार्ड, ये कुत्ते, ये सब क्यों है? ये सब दीदी की सिक्योरिटी है। मैडम माया तुम्हारी बहन है? हाँ, लेकिन चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी, मुझे एक फोन कर लिया होता। मजबूर था, अगर आज मैं तुम्हें नहीं मिलता तो शायद किसी का कत्ल कर बैठता। तुम्हारी दीदी कहाँ है? बाहर गई है, देर से आएंगी। वैसे ये कमरा तुम्हारी दीदी का है? क्यों? जानती हो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया था। क्या? अपना दिल लॉकेट की शक्ल में, और अंधेरे में यही कहीं गुम गया है। ओह माय गॉड, अगर दीदी के हाथ लग गया ना तो मैं तो मर गई। चलो ढूंढते हैं। मिला? दिल मिला? नहीं। खो गया? हाँ। तो ढूंढो उसे। इतना मुझे पता है, दिल मेरा खो गया है। इतना मुझे पता है, दिल मेरा खो गया है। इतना मुझे पता है, दिल मेरा खो गया है। तुझको तुझको खबर नहीं है, ये मेरा हो गया है। तुझको खबर नहीं है, ये मेरा हो गया है। जाने मन तूने क्या कर दिया, चीर कर दिल मेरा उसमें प्यार भर दिया। जो हुआ सो हुआ, सोचना अब है क्या कर रही है नजर अब तेरा। शुक्रिया मेरे सीने से लग जा मेरे।
अब क्या होगा? तुम्हारी दीदी से मुलाकात होगी और क्या होगा? नहीं, अगर दीदी ने हम दोनों को साथ में देख लिया वो गलत समझ गई, तो नहीं, गलत समझ गई, मैं सब कुछ समझा दूंगा उसे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो प्रिया। अच्छा प्लीज मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से प्लीज, तुम जाओ ना। अच्छा वो कौन आया था यहां? मैं पूछती हूं कौन आया था यहां? मेरा एक दोस्त। खबरदार, जो दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Now go up to your room. What, me? $1,000 for that piece of shit? Get lost. ओए ने साड़ी गड्डी नू शिट किए शिट। ओए तू सुन के डूब क्यों नहीं मरिया? ओए ओ जाके इनू कुट दे। मैं कुटा? ओ बीट हिम, बीट हिम। बीट हिम, हाँ? तुमने मेरे मालिक पे हाथ उठाया? मरेगा? मारो। Let me take care of him. सरेआम एक आदमी हमारे आदमी की हालत बिगाड़ रहा है और हम कुछ ना करें। हारने वाले की पैरवी नहीं, जीतने वाले की तारीफ सुनना पसंद करती है माया। क्यों मनी भाई, है ना कई मायनों में ये शख्स दिलचस्प? आप इशारा बाद में करती हैं और मनी भाई आपका इरादा पहले ही समझ जाता है। कल ये शख्स आपके सामने हाजिर होगा। तो तुम्हारी तकदीर में लिखा था हमारे हाथों सवरना। हमारी पिछली मुलाकात एक दुर्घटना थी, कहीं ये मुलाकात
हादसा ना बन जाए। हादसा? हादसा तो वो एहसान था जो तुम हम पर कर गुजरे थे, और हर एहसान की कई गुना कीमत देना ये माया की अदा है। एहसानों को खैरात में बांटना ये हमारा मिजाज है। बड़ा गुरूर है अपनी ताकत पर, उतना नहीं जितना आपको अपने हुस्न पर है। हमारे हुस्न का सामना करना जिगर का काम है, और तुम्हारी आखिरी आजमाइश तो अभी बाकी है। आजमाइशों से गुजरना अब हमारा शौक बन गया। तुम्हारा ये शौक हम बड़े शौक से पूरा करेंगे, मगर एक शर्त पर। हमारे तुम्हारे बीच 20 कदम का फासला है जो तुम्हें तय करना है। हमारे ताकत के नुमाइंदे तुम्हारे हर कदम पर रुकावट डालेंगे। अगर तुम हम तक पहुंच गए तो तकदीर तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। मेरी तकदीर तो आप हैं। जय माता दी। बीस कदम, एक दो तीन चार। सात, आठ, नौ। बीस, हेलो गैरी, मैडम मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका। मॉर्निंग सब ठीक है? लेट्स गो, कम ऑन।
तुम्हें ही जीतनी है, जाओ जाके तैयार हो जाओ। I'll get ready. How are you, my friend? Good. Oh, hi. Madam, good luck to you. Madam, we're gonna win today. Yes, I will. King Don, आज कितने पैसे लुटाने के लिए लाए हो तुम? ये क्या? सफेद झंडी? पहले से ही हार मान लिया अंडरटेकर ने क्या? अंडरटेकर का नाम सुनते ही माथे पर पसीना आ जाता है। पसीना पहुंच लो किंग डॉन। इसे अपने पास ही रहने दो माया। आंसू जब एक बार गिरने लगेंगे ना तुम्हारे, तो रोकने से रुकेंगे नहीं। मेरी आज की बेट है $5 million. फिर एक ही हाथ, कभी टुंडा हाथ भी जेब से निकाल दिया करो किंग डॉन। हारने के बाद तुम्हारे जो आंसू गिरेंगे, ये दूसरा हाथ उन मोतियों को पिरोने के लिए निकलेगा। माया, उफ उफ, तुम्हारी जीतने की ये तड़प, आई लव इट। तुम भी क्या याद रखोगे किंग डॉन? चलो हम तुम्हें एक और छूट देते हैं। फाइट शुरू होने से पहले, फाइट के बीच या फाइट खत्म होने से पहले, तुम जब चाहो अपना दाव दुगना या तिगना भी कर सकते हो, हमें मंजूर होगा। उल्लू सर, कमाल का खेल है, कमाल का खेल है। कैसा लगता होगा आपको? मैं तो नया नया हूं, मुझे तो इतना मालूम नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर? मौत का? मान गया वैसे तुम्हें। अरे क्या क्या वफादारी है मैडम माया के साथ, इतना बड़ा चैंपियन और कुर्बानी दे रहा आज। कुर्बानी मतलब? हाँ, आज तुम हारने वाले हो ना? हारने वाला हूँ मैं? हाँ, वो नीचे बात कर रहे थे कि मैडम माया और किंगडॉन, क्या आज आप हारने वाले हो? यही डील चल रही थी उनकी। क्या बक रहे हो? तुमको नहीं मालूम? नो, आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। ठहरो, डील? कौन सा डील? वो शायद मेरी गलतफहमी हो गई होगी। मैं नया नया हूँ ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं इतना। वरना मैडम यार तुम्हारा सौदा करेगी। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, गलत फहमी होगी मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको, पैसे के लिए मैडम कुछ भी कर सकती है, सब बता वरना गर्दन तोड़ दूंगा। सर वो कुछ बातें ऐसे कर रहे थे कि वो इस खेल में उनका ज्यादा फायदा होगा कि अगर आप हार गए तो ये खेल मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। वो कमीनी, अब मैं बताऊंगा। मैडम माया। हाय माया। अब ये मत कहना किंग डॉन कि तुम्हारा फाइटर आज लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरा फाइटर तो लड़ने के लिए इतना उतावला है कि मैं बेट डबल कर रहा हूँ। $10 million। लगता है आज तुम यहाँ कंगाल होने के इरादे से आए हो। बाद में हम तुम्हारे मातम में शरीक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम तुम्हारे ये चैलेंज मंजूर करते हैं। गुड गुड वेरी गुड। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, खेल खतरनाक था, अब खूंखार हो चुका है। खेल दिलचस्प था, अब सनसनीखेज हो चुका है, क्योंकि खेल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी बाजी लगाई जा रही है। मैडम माया और किंग डॉन आज की रात बाजी लगा चुके हैं $10 million। आज किंग डॉन में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ऐसा तो नहीं कोई चाल चल रहा है?
इस सनसनीखेज खबर के साथ साथ मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे फाइटर का नाम सुनने के बाद आज शायद फाइट हो ही नहीं। Tonight there might be no fight. मैडम माया के खिलाफ मेरा फाइटर है अंडरटेकर। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर अंडरटेकर मेरी तरफ से लड़ेगा तो मैडम माया क्या खुद लड़ेगी? लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ वॉक ओवर। आज रात फाइट होगी ही नहीं। होगा ये कि मैं मैडम माया के 10 मिलियन डॉलर्स लेकर यहां से चला जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत अफसोस होगा, लेकिन कोई आज यहां बहुत रोएगा और उसके आंसू पहुंचने के लिए मैं ये रुमाल देकर जाऊंगा। मैंने कहा था ना माया, तेरी तो मैं पलट दूंगा काया। मैं लड़ूंगा मैडम माया की तरफ से। अक्षय, जज्बात में मत आओ, तुम नहीं जानते अंडरटेकर की ताकत को। मैडम माया, शायद तुम मेरे जज्बात की ताकत को नहीं जानती। जय माता दी। अक्षय, गेट अप। रोना आ रहा होगा, रुमाल ले लो।
मुझसे पांगा। ये लो चाबी। अजय क्या हुआ? चलो। चेक करें, लेट्स गो। लगता है खतरा टल गया। खतरा कहां टला? खतरा तो तुम्हारे सामने है। खतरा? तुम? क्या लोगे, हमारी जान? शायद तो लो ना। Even naughty girls need love, है ना? Tick, 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 tick
धक धक दिल धड़की love me, ये बोली In the night, no control. Kya karun? Kuch to bol. In the night, no control. Kya karun? Kuch to bol. Tod de ye badam. Take my love, take my soul. In the night, no control. Kya karun? Kuch to bol. इसके आगे नहीं। क्यों? इसकी तुम्हें अलग से कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? हाँ माया, तुमने मेरी ताकत की बोली लगाई, कीमत दी और खरीद लिया। तुम्हारे जिस्म की हिफाजत करना मेरा फर्ज था। मैंने तुम्हें कभी निराश नहीं किया। इसके आगे अभी नहीं। हम तुम्हें पूरी तरह हासिल करना चाहते हैं, उसकी कीमत बोलो। माथा झुकाकर अपनी सुनी मांग को मेरी चुटकी भर सिंदूर से भरना होगा। अपने गले में प्यार का मंगलसूत्र, अपनी हथेली पर प्यार भरी मेहंदी सजानी होगी। यानी तुम मुझसे शादी दे सकोगी ये कीमत? अगर हां तो मैं बिकने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा।
अक्षय रुको रुको ना, क्या बात है? आज तुम साथ हो लेकिन साथ लग नहीं रहे। ये फासला मैंने जानबूझ के तुम्हारे और मेरे बीच में रखा है। कैसी बातें कर रहे हो, ये फासला क्यों? ताकि तुम्हें मेरे बिना जीना आ जाए। अब तो तुम्हारे बिना कुछ आएगा तो वो है सिर्फ मरना। कोई किसी के बिना नहीं मरता, ये सब कहने की बातें हैं। मैं अपनी दुनिया बसाने चला हूं, तुम अपनी दुनिया बसा लो। अक्षय, गहरे से गहरा जख्म भी इतना दर्द नहीं देता जितना आज तुमने मुझे दिया है। फिर भी मैं यही दुआ करूंगी कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए और ऐसा बेवफा सनम नहीं जैसा मुझे मिला है। ओके बाय। प्रिया, हमने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था। हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, नफरत सी हो गई थी हमें इन सब चीजों से। लेकिन उससे मिलने के बाद अचानक ये सब करने का बड़ा दिल कर रहा है। क्या बात है, तुम्हें जानकर खुशी नहीं हुई? वो दीदी जो पहले कहीं खो गई थी आज मुझे वापस मिल गई है। हम अपने किले में बहुत तन्हा थे प्रिया, ऐसा लगता है अब उस किले की दीवारें ऐसा ऐसा गिरने लगी हैं। हमें प्यार का एहसास हाल ही में हुआ है प्रिया, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। मेरे होने वाले जीजा जी से तो मुझे मिलाइए। जरूर, क्यों नहीं, लेकिन दो शर्तों पर। एक, उस दिन के हमारे बर्ताव के लिए तुम हमें माफ कर दोगी दीदी, और दूसरा ये कि अपने उस रात वाले दोस्त से हमें मिलवाओगी। वो यहां पर नहीं है, वो कहीं बहुत दूर चला गया है। दूर चला गया? ओ प्रिया, कैसे करती होगी तू वक्त उसके बगैर? हमें तो उसके बिना एक पल भी नहीं कटता। अजीब चीज है ना ये मोहब्बत। You know what? Hello. Hello. I'm not telling you. It's amazing. You just have to wait and see. Okay? Good evening, madam. हाँ, प्रिया को ले आए? जी हाँ, वो सामने खड़ी है। Hello, Mr. Francis. Oh, of course it's a great so party. I'm so glad you could come. Your dress is beautiful. आओ जान, आपको हम अपनी दूसरी जान से मिलाते हैं। Your costume is really pretty. Hello, Madam Maya. Oh, hi. Hello. No, it's on the screen. Really sweet. छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? कहते हैं साली आधी घरवाली होती है। जीजा जी। अरे, तुमने प्रिया को कैसे पहचान लिया? अरे, जिस दिल में मेरा प्यार बसा हो उसे मैं कैसे नहीं पहचानता। हाँ, प्रिया के दिल में तुम्हारा प्यार, मेरा प्यार माया, और प्रिया के दिल में तुम। वाह जीजा जी, क्या बात कही है, एकदम दिलीप कुमार सर। अब जरा ये नकाब उतार के अपना चेहरा तो दिखाइए। क्यों? मेरे कई रूप है प्रिया, इस बात की क्या गारंटी है कि इस नकाब के पीछे जो चेहरा है वो असली है? मैं जान भी हो सकता हूँ, जानी भी हो सकता हूँ, और जनार्दन भी हो सकता हूँ। ओह माय गॉड, कहीं अमिताभ बच्चन तो नहीं? हाँ जी नहीं, ना तो ये दिलीप कुमार है और ना ही अमिताभ बच्चन, तो कौन है ये? ये तो है एक नजूमी, एक जादूगर, जो तुम्हारा चेहरा देखकर ये बता सकता है कि तुम्हारा दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है, और अपनी दीदी का प्यार देखने के बाद तुम्हें अपने प्यार की याद आ रही है ना प्रिया? दीदी,
डोंट लुक एट मी लाइक दैट. मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया. कौन हो तुम? माया की मोहब्बत. ओहो दीदी, दिस इज टू मच. कहिए ना जीजा जी से, आखिर मैं भी तो देखूं मेरी दीदी का दिल चुराने वाला और मेरे दिल का हाल जानने वाला कौन है. बिल्कुल मैं नहीं करूंगा. अरे भाई, तुम इनसे मिलना चाह रही थी ना, सो हमने मिला दिया. अब आगे की जान पहचान तुम खुद ही कर लो. आई एम आउट ऑफ हियर. ओके देन, मैं तो निकालूंगा. सुनो प्रिया, कभी ये नकाब उतारने की कोशिश मत करना, बल्कि अपने चेहरे पर नकाब डाल लो, क्योंकि मेरा असली चेहरा देखने का दर्द तुम कभी नहीं सह पाओगे. और अगर तुम्हारा ये दर्द तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो उनकी तमाम खुशियां तबाह हो जाएंगी, समझी? मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले. मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले. अच्छा लगूं आज नहीं ते बच के तू निकल ले. जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है. आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे. मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे. हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय. हम हैं सीधे साधे अक्षय. कभी टैंग कभी ढूंग वैसे अक्षय अक्षय. कभी बैंग कभी बूम वैसे अक्षय. मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले. अच्छा लगो आजा नहीं ते बच के तू निकल ले. सीधे साधे अक्षय अक्षय. हम हैं सीधे साधे अक्षय. कभी टैंग कभी टुंग वैसे अक्षय अक्षय. कभी बैंग कभी बुम वैसे अक्षय. मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले. अच्छा लगू आजा नहीं ते बच के तू निकल ले. We'll be right back.
समझ चाहे खुद गर्जी आना अपनी मर्जी से और तेरा जाना मेरी मर्जी और ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय हम हैं सीधे साधे अक्षय कभी टैंग कभी तुंग ऐसे अक्षय अक्षय कभी बैंग कभी बुंग वैसे अक्षय शक गलत नहीं निकला तुम्हारा रूम मैंने चेक किया जानते हो मुझे क्या मिला सोचो अजय तुम्हारा भाई है राइट हाँ अजय मेरा भाई है खामखा इतनी तकलीफ क्यों उठाई मुझे पूछ लिया होता सब कुछ बता देता बताएगी तो तुम्हें मैडम माया जैसा उसने तुम्हारे भाई को बताया था क्या किया मेरे भाई के साथ गद्दार था मैडम माया के क्लब से सीक्रेट टेप्स चुराई थी और पुलिस का इन्फॉर्मर बनना चाहा तुम यहीं छुपे रहना मैं बुलाऊंगा तब आना Welcome back, Ajay. So good to see you again. कहाँ चले गए थे? देखो, मुझे बिना किसी रुकावट के तुम्हारी दुनिया से दूर जाने दो. मैं तुमसे वादा करता हूँ, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुँचेगा, ना मुझे. जानती हो, मेरे ऊपर 18 खून का इल्जाम लगाया गया है. इतना बड़ा बोझ हमारे अजय के कंधों पर डाल दिया बेचारा कितने दर्द में जी रहा होगा ये और वो भी तुम्हारे होते हुए डैन देखो माया अब तुम देखो अजय कि हम तुम्हारे सारे तकलीफों को कैसे दूर करते हैं अंडरटेकर को देखा है ना इसके जिस्म पर बड़े से बड़ा जख्म लग जाए पर दर्द नहीं होता है सब डैन का कमाल है जिस्म की सारे नसों का ताना बाना इसे पता है अंडरटेकर जिंदा तो है पर दर्द का एहसास मर चुका है डैन अब तुम और अंडरटेकर दोनों मिलकर हमारे अजय के हर दर्द को मिटा दो Ha 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 ha!
क्यों? सुन ली मौत की दस्तक? डरो मत, मौत भी तुमको तभी आएगी जब माया चाहेगी। इन्हीं हाथों से मैंने उसे मारा। सुनो, तुम्हें उसकी चीखें सुनाई देंगी। You bastard! I'll kill you! Come on. बताओ कहाँ है मेरा भाई? मैडम माया हैज अराइव्ड। मैडम माया आ चुकी है। ऑल पीपल रिपोर्ट टू द फ्रंट। आ रही है मैडम, उसी से पूछना और मैं उसे तेरी असलियत बताऊंगा। तू बताने के लिए बचेगा तब ना। माया, तुमने एक गद्दार को अपने गिरोह में पाल रखा है। एक गद्दार को। गद्दारी माया से? लिसन, गद्दार, तूने माया को धोखा दिया। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं अक्षय, लेकिन धोखा, धोखा हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होता, कभी नहीं। आज माया को महसूस हुआ कि वह बिल्कुल अधूरी थी। इतनी बड़ी सल्तनत हमसे अकेले नहीं संभल पा रही थी। अक्षय, तुम्हारे आने के बाद हम पूरे हुए।
डैन और अंडरटेकर के हाथों माया ने मेरे भाई के जिस्म पर बहुत जख्म पहुंचाए हैं। जेन अजय को माया के चुंगल से बचा लेती है, तुम लोग वहां पहुंचकर उन दोनों को कहीं छुपा देते हो, और जब वापस पहुंचते हो तो वो लोग वहां नहीं है। तो वो गए कहां? माया बेवक्त आ गई, पर ना उस हरामजादे डैन से तो मैं सब कुछ खुलवा लेता। भैया, आप सीधे माया का गिरेबान पकड़कर सच्चाई क्यों नहीं उगलवा लेते? नहीं, एक बार माया पर मेरा एक भी वार अजय को नुकसान पहुंचा सकता है। आज माया पूरी तरह मेरे प्यार के काबू में आ चुकी है। अब इसी प्यार को इस्तेमाल करके मैं अजय तक पहुंचने का रास्ता बनाऊंगा। हाँ प्रिया, शाम को खाने पे मेरा इंतजार मत करना, मैं बाहर। एक्सक्यूज मी, मैं जस्ट अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो अक्षय? दो मिनट बैठो बस, अभी आया, दो मिनट। अक्षय, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। Excuse me, can I have some good, nice, fresh okay, flowers? Okay, take these. Mm-hmm. He loves me too. Get out! Get out! Get out! Akshay! Akshay! Put your hand inside! Akshay! Help her! आओ जान। Somebody, quick, call the cops. Call the police. Akshay! 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 अगर अक्षय को किडनैप करवाने की हरकत आप कर बैठे हैं मनी भाई, तो बाजार जाकर एक कटोरा भी खरीद लाइएगा, क्योंकि माया आपको भिखमंगा बना देगी। मैडम, उस पर शक करके आपने तो वैसे ही मुझे कंगाल बना दिया है। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले कम से कम हमने सोचा, बहुत सोचा। माया से दुश्मनी मोल लेने का हौसला आज तक किसी समझदार आदमी ने नहीं किया। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि कल हम आपको कहते हैं कि अक्षय फाइट नहीं लड़ेगा और आज उसको किडनैप कर लिया जाता है? आपने सोचा होगा। हेलो माया, तुम्हारा आशिक हमारे कब्जे में है, जिसे बहुत दिनों तक जिंदा देखने का हमें कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें है तो अजय को हमारे हवाले कर दो। अजय को? हाँ, अजय को। एक हाथ दो और एक हाथ दो। हम जानते हैं कि तुमने अजय को अपने किले के किसी सुरंग में छुपा कर रखा है। माया, हमें तुम्हारे आशिक से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर तुम अजय को नहीं छोड़ सकते हो तो हम भी तुम्हारे आशिक को बहुत दिनों तक पाल नहीं सकेंगे। सोच लो माया, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम दोबारा फोन करेंगे। अजय मेरे पास नहीं है किंग जॉन। क्या अजय तुम्हारे पास नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं उस अजय ने तुम्हें बेअसर करने के लिए अक्षय को किडनैप करवाया? कमिश्नर को जैसे ही पता चलेगा कि अजय तुम्हारे पास नहीं है, उसके हाथ पैर खुद ही हिलने लगेंगे। कमिश्नर, उनका मोरा? मैं भी अपने आदमी भेज के शहर का चप्पा चप्पा छान दूंगा। अगर वो दोनों मेरे हाथ लग गए, माया तेरी तो मैं काया पलट दूंगा। अक्षय को नुकसान पहुंचाने से पहले अपने जिंदा रहने की ख्वाहिश को मार देना किंग डॉन, क्योंकि बारूद हमारे अंदर अब भी उतना ही है। इधर आ। क्या बच्चों की तरह मार रहे हो? जोर से मारो, निशान आना चाहिए, निशान, समझे? अरे भैया, तुमको मारते हैं तो हमको ही लगता है, तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता है। एक बार गाड़ी को क्रशर के अंदर डाल, जल्दी डाल, समझे? जी। मेरी बात सुनो, बुरा लगने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग किडनैपर्स हो, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, और माया की नजरों को मेरे जख्म दिखने चाहिए। वो बेवकूफ औरत नहीं है। बेवकूफ तो वो बन चुकी है भैया, आपकी मोहब्बत में। हाँ, मेरी मोहब्बत का असर तो सूरज ढलने के बाद ही पता चलेगा। Thank you.
अक्षय को किसी ने किडनैप कर लिया है। आपको किसी पे शक है? शक नहीं, यकीन है। किस पर? अपनी बदकिस्मती पर। जब भी हमारी किस्मत हमें मुस्कुराता हुआ देखती है तो उसे जलन होने लगती है। किस्मत माया को सब कुछ दे सकती है प्रिया, सब कुछ। अगर नहीं दे सकती तो बस एक प्यार नहीं दे सकती जो थोड़ी देर के लिए आकर हमारे दिल में ठहर जाए। अरे अगर हमें ये जरा सी खुशी मिल जाती तो किसी का क्या बिगड़ जाता। हर बार यही हुआ है, हर बार, हर बार। हम हालात को नाखूनों से खुरच खुरच कर खुशियां हासिल करते हैं प्रिया। कहीं एक बार मुस्कुराने का गुनाह कर बैठे तो न जाने आंसुओं की कितनी सजा भुगतनी पड़ती है। दीदी, दीदी मायूस मत हो दीदी, भगवान अक्षय को जरूर। भगवान उसके हाथ में जो था ये दुख हमें वो दे चुका। अब वो भी देखे कि हम अपना सुख कैसे हासिल करते हैं। ना समझ है वो, नादान है वो अजय के दोस्त जो अक्षय को किडनैप करके अपनी तकदीर में तबाही लिख बैठे हैं। तबाही। अजय, अजय के दोस्त। अगर हमारे अक्षय के जिस्म पर एक भी जख्म दिखाई दिया तो हम उनके इतने टुकड़े करेंगे जितने पल उन्होंने हमारे अक्षय को हमसे दूर रखा। दीदी लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। अजय के दोस्त अक्षय को क्यों ले जाएंगे? दोनों भाइयों में दुश्मनी हो गई है क्या? अजय, अक्षय का भाई, यानी अक्षय का प्यार हमारे लिए एक धोखा। अरे हाँ, वो दोनों तो भाई हैं। प्रिया, तुम अक्षय को पहले से जानती थी ना? हाँ, मिल चुकी थी ना उससे पहले? ठीक। और उस दिन रात को यहाँ तुम्हारा दोस्त वो अक्षय था ना? दीदी वो फ्लाइट में साथ में था, अपने छोटे भाई की शादी के लिए आया था। शादी? हाँ वो शादी के लिए आया था यहाँ। जी जी पार्टी में तुम्हारी उसकी पहली मुलाकात नहीं थी क्यों? सारी गलत फहमियां दूर हो गई। हो प्रिया, तुम नहीं जानती कि आज तुमने हमारे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया। हम अपनों को दुश्मन और दुश्मनों को अपना दोस्त समझ बैठे थे। क्या तय किया तुमने? कौन तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, अजय या अक्षय? माया के लिए अक्षय से ज्यादा जरूरी आज खुद माया भी नहीं है। तुम उसे हमें लौटा दो, हम तुम्हें अजय सौंप देंगे। ठीक है, कल सुबह माता के मंदिर में। और सुनो, चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम अक्षय को मौत के घाट उतार दोगी, यही ना? और हमें अक्षय का तुम्हारे हाथों मरना कैसे मंजूर हो सकता है?
अब ये सौदा तुमसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो गया है। हम अजय को लेकर वहां पहुंचते हैं, तुम अक्षय को वहां ले आओ। ठीक है। भैया कल सुबह माता के मंदिर में आपका अजय से भरत मिलाप होगा। जय माता दी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक बार देव किसी का कुछ पता चला? नहीं, ना वो घर पे थे ना क्लब में। कहीं माया उन तक तो? अक्षय भैया माया के साथ? ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? जब तक मेरे पास वो सबूत है, माया अक्षय भैया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन सबूतों के बदले मैं माया से अक्षय भैया की रिहाई का सौदा करूंगा। शहर में चारों तरफ ये खबर फैला दो कि माया कल माता के मंदिर में महाआरती का आयोजन करने वाली है। माया की आदमखोर ताकत भक्तों की भीड़ में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ। जय माता दी। जय माता दी। अजय मल्होत्रा? जी हाँ, मेरा नाम अजय मल्होत्रा है, मुझे मैडम माया से मिलना है। अजय, उसे यहाँ फौरन ले आओ। राइट मैडम, चलो। अरे क्या हो रही है? कौन है आप? कोई सवाल मत करो, भागो यहाँ से। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, अक्षय की जान खतरे में है और मैं तुम्हें उसके पास लेके चलूँ। जल्दी चलो, चलो अजय। भागो अजय, भागो। क्या बात है, अचानक हर रिश्ता हमसे दूर भागा जा रहा है। खैर, रिश्तों से तो हम बाद में निपटेंगे। वो सबूत कहाँ है? हाँ, सबूत तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर मेरे भाई को पहले मेरे हवाले करो। नहीं अजय, अक्षय के कब्जे में नहीं है। नहीं है। अब हम अपनी इस बहन का क्या करें? एक ये है जो अपने भाई पे कुर्बान होने जा रहा है, और एक तू हो जो अपनी बहन से गद्दारी कर रही हो, अपनी बहन से। और तुमने सोचा कि इसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? हाँ, गलत सोचा, गलत सोचा तुमने। जय माता दी।
रंग तेरे मन की उमंग दिल हुआ है मलंग झूमे मेरा अंग अंग मुझे दिया तूने रंग माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी जिंद मेरी आई है छलांगा मार दे देखा जो तुझे देखता ही रह गया देखा जो तुझे देखता ही रह गया मेरा वाली मैं तेरे पैरी पे गया चलने तेरा बेटा गया अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया माँ शेरा वाली ये तेरा शेर आ गया अपने खून से नहलाने हो चुका है मैडम माया यू आर अंडर अरेस्ट सबूत कहां है जेन के पास उसे फोन करके कोर्ट में पहुंचने के लिए कहो इन सबको मैं कोर्ट में पेश करता हूं हेलो जेन तुम सबूत लेके सीधा कोर्ट पहुंचो मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा ठीक है मूव
तेरी तो मैं दोस्ती में जान दे दूंगा। आओ, कहां से आ गया पिंग पॉंग? अब तो यकीन आ गया होगा माया डार्लिंग कि तुमको मेरी कितनी जरूरत है। तुम्हारे अपनों ने तो तुम्हारा क्या हश्र किया। नो, बस एक बार इस गैर को आजमा कर देखो, जिंदगी संवर जाएगी। माया, अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। हुकूमत बाद में किंग डॉन। जेन वो सारे सबूत लेकर कोर्ट की तरफ रवाना हो चुकी है, पहले उसे रोकना होगा। नो प्रॉब्लम। हेलो, कमिश्नर बोल रहा हूँ। कमिश्नर। यस किंग डॉन। जेन सबूत लेकर कोर्ट की तरफ जा रही है, मेरा प्लान सुनो। ऐलान कर दो कि एक लड़की सिल्वर केस जिसमें के बॉम्ब है लेके कोर्ट की तरफ जा रही है, रास्ते में उसे गोली मार दो। शूट एट साइट। और सबूत हासिल करके उन्हें तुम मेरे हवाले कर दो। ओके किंग डॉन। ऑफिसर्स, एक लड़की को देखते ही गोली मार दो जिसके हाथ में सिल्वर बॉक्स है। उस बॉक्स में बॉम्ब है, बॉम्ब। बस अब तुम मेरी तमन्ना भी पूरी कर दे। क्या? अंडा टेकर। I'm going to kill you. Wait. Go. उस दिन पुलिस की रेड की वजह से फाइट पूरी ना हो सकी। आज दोनों फाइटर मौजूद हैं। क्यों माया, ये फाइट मंजूर है? हमें मंजूर है, मगर एक शर्त पर कि हारने वाले की मौत से पहले उस पर आखिरी वार हम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों ही गद्दार हैं। नो, मैं गद्दार नहीं हूँ। गद्दारी तो तुमने की है। तुम मुझे हरवाना चाहती थी पिछली फाइट में। कौन, मैं? तुमने नहीं माया, धोखा तो इसे मैंने दिया था। अगर मुझे मालूम होता कि इसने मेरे भाई को मारा है, तो इसे तो मैं उसी दिन खत्म कर देता जिस दिन इसके साथी डैन को मैंने मारा था। क्या, डैन की मौत धोखा? बोल जय माता दी, बोल। अजय, अक्षय अब तुम बोलो जय माया की। जय माता दी। Kill him, kill him! भैया, भैया उठो भैया, भैया जय माता दी, भैया जय माता दी। अजय।
उठो भैया, उठो उठो भैया, भैया उठो, अक्षय भैया उठो। दोनों को खत्म कर दो, किल देम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, क्या करेगा माता दी, क्या करेगा माता दी, जय माता दी। अजय,
जय माता दी। इसे हमारे हवाले करके तुम्हारे अजय को हमारी परछाई से बचा लो, हमसे दूर जाकर अपनी दुनिया बसा लो। आजादी तुम दोनों को हमारी तरफ से शादी का तोहफा होगी। लाओ मुझे दे दो। रुक जा जेनी, रुक जा माया। नहीं माया, जेन को नुकसान नहीं पहुंचाना। तारी दुनिया से क्यों दुश्मनी ले रही हो दीदी? क्योंकि तुम्हारी दीदी को हासिल हुई तो सबकी दुश्मनी, सबकी गद्दारी। अक्षय ने गद्दारी नहीं, जंग की है आपसे अपने भाई को बचाने के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने जंग की थी सारी दुनिया से, अपनी इस छोटी बहन की जिंदगी संवारने के लिए। कहाँ खो गई मेरी वो दीदी जिसने अपने आप को जला दिया शमा की तरह ताकि उसकी छोटी बहन को रोशनी मिले? कहाँ खो गई मेरी वो दीदी जिसने वक्त के तकाजे पर अपने आप को जुर्म के दलदल में धकेल दिया, लेकिन अपनी छोटी बहन को उसके संस्कार और सभ्यता नहीं भूलने दिए?
ये सब कुछ आपके सदके दीदी, ये सारी की सारी दुनिया आप पर कुर्बान कर दूं, यहां तक के अक्षय की याद भी अपने दिल से मिटा दूंगी। को जगा दिया प्रिया, जो जुर्म और ताकत के नशे में बेहोश हो गई थी। इंसानियत का सबक तुझे सिखाकर हम खुद भूल गए थे, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। दीदी, अरे दीदी। पगली, रोती नहीं। ये क्या, रोती नहीं बेटे, हम कहां जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिल पाएगा तुम लोगों को हमसे, हम फिर आएंगे तुम्हारी जिंदगी में फिर से शामिल होने प्रिया, अगले जन्म में, भगवान करे, भगवान करे तुम्हारी बेटी बनकर। माया, दीदी, दीदी, दीदी। तू कौन है, तेरा नाम क्या? तू कौन है, तेरा नाम क्या? दिल धड़काने वाली, तेरा नाम क्या? मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या? मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छी लगूं आ जाने दे, बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है, आकाश से हम मन के हम हैं सच्चे। मरती है तुम पे लड़कियां, बूढ़े और बच्चे, और ना हम अमिता, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे। तुम हो मेरी